कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस एवं पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों को पराजित कर देश की रक्षा करने वाले वीर सपूतों को आज उपराजधानी दुमका में याद किया गया। नेशनल कैडेट कॉर्प्स की 4th झारखंड गर्ल्स बटालियन द्वारा नेशनल हाई स्कूल में कारगिल विजय दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। इस अवसर पर NCC की गर्ल्स द्वारा नुक्कड़ नाटक पेश कर कारगिल युद्ध में देश के जवान सैनिकों के योगदान को याद किया गया। विक्रम बास्करा जी ने देखा कि दुश्मन डिफेंस लेकर बैठे हैं, तभी उनकी को धोखा देकर अपने मकसद में कामयाब होते हुए दुश्मन के नजदीक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान इधर लेफ्टिनेंट विक्रम बास्करा अपनी टीम को दो भागों में बांट देते हैं, एक का नाम असाल ग्रुप और दूसरे का जीते। असाल ग्रुप एडवांस करता हुआ दुश्मनों के नजदीक पहुंच जाता है और सपोर्ट ग्रुप को फायर बंद करने का इशारा देता है। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि आज लाखों जाबान सैनिक के त्याग और समर्पण की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए देश के लाखों सैनिक हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। वहीं DC ने कहा कि जिन मूल्यों एवं आदर्शों को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं अमर शहीदों ने देश की खातिर अपनी जान दी है, उनके अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे सेना की जो तीनों अंग है उनका महत्व केवल युद्ध के समय में, लड़ाई के समय में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें केवल तभी याद करें जब कोई लड़ाई चल रही हो, कोई लड़ाई छिड़ी हुई हो। अगर आज हम शांति से अपने घरों में रह रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे लाखों सैनिकों की कुर्बानी है जिसमें कि वो अपने घरों से दूर रह करके विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो ऋण है, इस ऋण को हम शब्दों से नहीं चुका सकते हैं, शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकते। हम लोगों को अगर किसी भी प्रकार से इसका मान रखना है तो उसके लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण को न्योछावर किया, जिस देश की अखंडता एकता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया और आज जिस एकता अखंडता के लिए हमारे सैनिक संघर्ष कर रहे हैं विषम परिस्थितियों में, उन आदर्शों और उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो देश को आगे बढ़ाने में, अपने राज्य को आगे बढ़ाने में, अपने जिले को आगे बढ़ाने में, अपने प्रखंड, पंचायत, वार्ड को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। वो छोटी छोटी आदतें हम लोग फॉलो करें। दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।